हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। युवराज विद्युन्माली विशालाक्ष, माता पार्वती सुरगंगा से कैलाश जाने के लिए निकल चुकी हैं। हम देख रहे हैं पिताश्री, ये शिव पुत्र की अंतिम यात्रा होनी चाहिए। अंतिम यात्रा? अंतिम यात्रा ही होगी पिताश्री, अंतिम यात्रा। आशीर्वाद दीजिए पुत्र। आशीर्वाद पुत्र, आशीर्वाद, आशीर्वाद। हम सब शिवगण बन जाते हैं और आप नंदी बन जाइए। माता पार्वती समझेगी हम उन्हें कैलाश से लेने आए हैं। उत्तम, अति उत्तम। विद्युन्माली और विशालाक्ष को वापस बुला लीजिए। माता पार्वती के सामने जाने से उनकी जान जाने का भय है। महारानी, माता पार्वती उन्हें पहचानेंगी तब ना। मैं अपना तपोबल प्रयोग में लाऊंगा। आशीर्वाद दीजिए। अच्छा हुआ गुरुदेव, देखिए माता पार्वती शिव पुत्र को लेकर कैलाश जा रही हैं। हम भी यही चाहते थे राजन, अब देखते हैं शिव पुत्र को कौन बचाता है। विदुन्माली और विशालाक्ष अंतरिक्ष में कहीं ना कहीं इस पल की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। कुछ ही देर में शिव पुत्र उनके हाथों में होगा। महाराज, आप बहुत बड़ी भूल करने जा रहे हैं। स्वयं भगवान से टकराने का अर्थ है? कोई अर्थ इस समय सुझाई नहीं दे रहा है मुझे, केवल अपनी विजय दिखाई दे रही है, विजय। शिव पुत्र की मृत्यु का अर्थ जानता हूं मैं, और तुम भी जान लो महारानी। तारकासुर अमर होने जा रहा है, अमर। नारायण नारायण नारायण। प्रणाम गंगा मैया। कल्याण मस्तु। माता, सब कुछ जानते हुए भी आपने शिव पुत्र को माता पार्वती के साथ क्यों जाने दिया? प्रभु की यही इच्छा है देवर्षि। अर्थात क्या कुछ अनहोनी होने जा रही है माता? देवर्षि, तारकासुर और भार्गव ये सोचते हैं कि वो होनी को अनहोनी में बदल सकते हैं। वो सर्वशक्तिमान प्रभु से शत्रुता लेना चाहते हैं। उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। वो अपनी शक्ति, अपना बल सृष्टि के विकास में बाधाएं डालने के लिए प्रयोग कर रहे हैं। वो ये मानने को तैयार ही नहीं कि जो कोई भी विधि के विधान को बदलने का प्रयास करता है, वो स्वयं अपने जीवन को मृत्यु में बदल लेता है। परंतु अब उन्हें सत्य का साक्षात्कार हो जाएगा। अब भार्गव शुक्राचार्य तथ्य को जान जाएंगे तथा मान जाएंगे। तो क्या वो प्रभु की शरण में आ जाएंगे माता? अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो ये उनका दुर्भाग्य होगा। युवराज विद्युन्माली विशालाक्ष, माता पार्वती सुरगंगा से कैलाश जाने के लिए निकल चुकी हैं। हम देख रहे हैं पिताश्री, ये शिव पुत्र की
अंतिम यात्रा होनी चाहिए, अंतिम यात्रा। अंतिम यात्रा ही होगी पिताश्री, अंतिम यात्रा। आशीर्वाद दीजिए पुत्र। आशीर्वाद पुत्र, आशीर्वाद, आशीर्वाद। मैं जाकर छीन लाऊं शिव पुत्र को माता पार्वती से? इतना आसान नहीं है विशालाक्ष। माता पार्वती महादेव शिव शंकर की साक्षात शक्ति रूपा है। स्मरण है जब एक बार असुर सेना माता पार्वती का अपहरण करने के लिए कैलाश गई थी, तब माता ने अपनी शक्ति प्रकट कर हमारी सेना का विनाश कर दिया था। अर्थात शक्ति के प्रयोग से भी हम शिवपुत्र को नहीं छीन सकते माता से? बल से नहीं, किंतु हम छल से बहुत कुछ कर सकते हैं। हम सब शिवगण बन जाते हैं और आप नंदी बन जाइए। माता पार्वती समझेगी हम उन्हें कैलाश से लेने आए हैं। उत्तम, अति उत्तम। उन्हें रोकिए महाराज, उन्हें रोकिए। विद्युत माली और विशालाक्ष को वापस बुला लीजिए। माता पार्वती के सामने जाने से उनकी जान जाने का भय है। अगर माता पार्वती ने उन्हें पहचान लिया तो वो अपने तेज से मेरे दोनों पुत्र को भस्म कर देंगी। महारानी, माता पार्वती उन्हें पहचानेंगी तब ना, मैं अपना तपोबल प्रयोग में लाऊंगा। माता पार्वती विद्युन्माली और विशालाक्ष को नहीं पहचान पाएंगी। आप माता पार्वती को भ्रमित कर सकते हैं गुरुदेव। महारानी, तुम चिंता मुक्त हो जाओ। जब मैं कहता हूं कि वो तुम्हारे पुत्रों को नहीं पहचान पाएंगी तो नहीं पहचान पाएंगी। हाँ। लो महारानी, अब तुम्हारे पुत्रों को कोई भय नहीं। प्रणाम माता। प्रणाम माता। कल्याण मस्तु। वत्स नंदी, तुम यहाँ? देवाधिदेव महादेव भोलेनाथ ने आपकी सेवा और सुरक्षा के लिए हमें भेजा है माता। मगर वो स्वयं यहाँ क्यों नहीं आए? महादेव तो तपस्या में लीन हो गए माता। हे, समझ गई। लो वत्स, शिव पुत्र को अपने पास लो। तुम इसकी सुरक्षा के लिए ही यहाँ आए हो ना? जी